नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी के उन्नाव में दो नाबालिग लड़कियों के संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव का है। दरअसल चारा लेने के लिए तीन नाबालिग लड़कियां खेत में गई थी। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां दो को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरी की हालत नाजुक है, उसका इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। लड़कियों का शव मिलने के बाद से ही गांव में तनाव है। एहतियात के तौर पर गांव के अलावा जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पीड़िता की मां के मुताबिक लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस 6 टीमें बनाकर मामले की तफ्तीश कर रही है। उन्नाव SP आनंद कुलकर्णी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि घटना के शीघ्र खुलासे के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि किशोरी के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलासे में अहम साबित हो सकते हैं। SP का कहना है कि प्राथमिकी जांच में पुलिस को घटना स्थल पर किसी तरह के संघर्ष और लड़कियों के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि जहरीले पदार्थ से मौत होने का मामला लग रहा है। इस बीच इलाके के लोग गांव में धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि परिवार वालों को थाने में ना बैठाया जाए, परिवार को इंसाफ दिया जाए। लोगों का आरोप है कि परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। आज जान गंवाने वाली दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि क्या वाकई में जहरीले पदार्थ खाने से या खिलाने से मौत हुई है, या फिर मौत की कोई और वजह है। परिवार समेत गांव के तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। इलाके में कोई CCTV नहीं है, क्योंकि खेत वाला इलाका है। परिवार के लोगों के बयान में विरोधाभास है, इसलिए पुलिस इस लिहाज से भी देख रही है कि क्या अलग अलग वक्त पर लोगों के पहुंचने की वजह से बयानों में चेंज है, या फिर परिवार वाले कहीं शामिल हैं। पुलिस ने पूरे खेत को घेर लिया है। फॉरेंसिक की टीम सबूत जुटाकर ले गई, जिसके बाद अब घटना के बारे में पता चल सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।